पर्वतीय समाज सहकारी समिति और स्मारक ट्रस्ट का वार्षिक उत्सव रविवार को सूचना केंद्र सभागार में आयोजित किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर एस एस तड़ागी ने बताया कि वार्षिक उत्सव के तहत सूचना केंद्र सभागार में समाज के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों, खेलकूद और वाद विवाद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। साथ ही एक शाम उत्तराखंड के नाम सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ की अध्यक्ष कावा की सुनीता ढोडियाल सहित कई समाज के लोग मौजूद रहे। पर्वतीय समाज अजमेर का ये वार्षिक उत्सव जो कि हर वर्ष हम यहाँ मनाते हैं, सूचना स्थानीय सूचना केंद्र में आज मनाया जा रहा है। दो दिवसीय हमारे इस कार्यक्रम में प्रथम तल में हमने पहले उत्तराखंड धर्मशाला पुष्कर में एक आयोजन किया था, जिसमें हमारी सांस्कृतिक संध्या और अन्य कार्यक्रम हुए थे। साथ के साथ वहाँ हमारे जो थे उत्तराखंड से नंदा देवी राजजात यात्रा भी निकली थी, उसी की निरंतरता में आज ये वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति से आधारित सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। साथ के साथ पर्वतीय समाज के वो मेघावी छात्र छात्र जिनको 70% से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, उनको हम 100 से अधिक बच्चों को आज यहाँ पारितोषिक वितरण करेंगे। साथ के राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के, जिला स्तर के खिलाड़ियों को और तकनीकी रूप से जो मेघावी छात्र छात्राएँ उनका सम्मानित किया जाएगा। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती विनीता ढोंडियाल जी, अध्यक्ष कावा सीआरपीएफ ग्रुप वन है, जो श्री डीआईजी श्री अनिल डोंडियाल जी की पत्नी हैं, तथा विशेष अतिथि के तौर पर श्री विमल कुमार जी नेगी डीआईजी क्या नाम डीजी बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ भी पधारने वाले हैं। इसी के साथ अभी रंगारंग हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 घंटे तक इसका चलेगा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।